बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से भाई मैं लाइव हूँ, आपको एक मोबाइल फ़ोन दिखा रहा हूँ शाओमी वालों का। जी आप देख रहे हैं, बैक से आपको दिखा रहा हूँ। इसकी बैक से भाई खास बात यह है कि इसके माशाल्लाह कैमरे जो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन में दिए गए हैं, और इसका कलर देख रहे हैं स्काई ब्लू या लाइट ब्लू हम इसको बोल सकते हैं। तो हालांकि डब्बे पर तो ग्रे लिखा हुआ है, रेडमी नोट 9S। जी मेरे भाई, रेडमी नोट 9S वालों का ये मोबाइल है जो कि बहुत ही खूबसूरत है शाओमी वालों का। और इसका बॉक्स जो है मैं आपको बॉक्स दिखाता हूँ, उसके बाद मोबाइल के तरफ जाएंगे कि मोबाइल क्या है, क्या इसमें सिस्टम है, और खासकर आपको इसके प्राइस भी बताऊंगा कि सऊदी अरब में इसका इस वक्त रेट क्या चल रहा है मार्केट में। तो बॉक्स देख रहे हैं, नीचे से बिल्कुल वाइट है, साइड पर रेडमी नोट 9S लिखा हुआ है, ऊपर मोबाइल की पिक्चर वगैरह बनी हुई है। तो नीचे वही आपको इसके जो फंक्शन वगैरह मोबाइल के ऊपर ज्यादातर लिखे होते हैं, देख रहे हैं रेडमी नोट 9S ग्रे कलर में इधर लिखा हुआ है। तो 4GB ये 64GB स्टोरेज में है जी, हालांकि इसका एक वर्जन भाई 6GB और 128GB स्टोरेज में भी अवेलेबल है, लेकिन ये मोबाइल जो है ये 4GB रैम और 6GB और 64GB स्टोरेज में अवेलेबल है। तो अभी हम बॉक्स ओपन करेंगे, बॉक्स के मुतालिक जो भी है, बॉक्स के अंदर जो भी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप देख रखे होंगे ये एक छोटा सा, इसमें एक सिलिकॉन का कवर होता है इस मोबाइल का, जो कंपनी की तरफ से ही दिया जाता है, और एक सिम निकालने वाली पिन होगी इसमें बस। नीचे जाएंगी तो नीचे देख लीजिए ये केबल है, ये USB टाइप केबल है, जो कि आम सब मोबाइलों में अभी यही केबल आ रखी है, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ये भी दी गई है। तो चार्जर के मुतालिक आपको बताता चलूँ, चार्जर अभी देख लीजिए आप, चार्जर के मुतालिक भाई आपको बताऊँगा, देख लें जी बिल्कुल जैसे जैसे ओप्पो या सैमसंग का चार्जर होता है ऐसा ही बनाया गया है, मेड इन चाइना है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि यह 22 वाट पावर चार्जर रखता है, जो कि काफी तेज चार्जिंग के जुमरे में आता है, मोबाइल को बहुत ही फास्ट चार्ज करेगा, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का चार्जर है, हालांकि मेड इन चाइना है। तो रेडमी नोट 9S अभी आप देख रहे होंगे जी, सबसे पहले आप देख रहे हैं क्विलकॉम स्नैपड्रैगन 720 ग्राम सिर्फ और सिर्फ मोबाइल का वजन है। 8mm हाई ऑफेंसी प्रोसेसर इसमें इस्तेमाल किया गया है। अगर कैमरों की बात करें भाई तो देख लें 48-48MP ऑल क्विड कैमरा इसमें इस्तेमाल किया गया है, 16MP इन डिस्प्ले फ्रंट कैमरा, यानी कि जो सेल्फी वाला कैमरा 16MP का भाई वो बनाया गया है। तो 48MP का ऑल क्विड कैमरा इसमें दिया गया है, यानी कि पीछे वाले हिस्से में 4 कैमरे दिए गए हैं, जो कि मैं आपको अभी दिखाता भी हूं। डिस्प्ले का कैमरा आप देख लें जी, ये देख रहे हैं पीछे, हालांकि जो फ्लैश लाइट है वो नीचे दी गई है, उसके ऊपर जो ऊपर वाले दो कैमरे हैं उनमें से एक 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, दूसरे मुख्तलिफ मेगापिक्सल में होंगे, लेकिन वो भी कैमरे अच्छे कैमरे हैं, उनको यही बोल सकते हैं। तो नीचे जाएंगे जी, देख लेंगे आप 6.67 इंच FHD+ डॉट डिस्प्ले है इसका, जो कि काफ़ी हाई रेजोल्यूशन हाई रेजोल्यूशन में आपको पिक्चर वगैरह या वीडियो वगैरह दिखाएगा। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट, वो फिंगरप्रिंट वाला साइन पर इसका बटन लगा हुआ है, वो भी मैं आपको उसके मतलब ये दिखाऊंगा। बैटरी अभी आप देख रहे हैं 5020 mAh टाइप बैटरी है इसमें, जो कि 18 वाट फास्ट चार्जिंग है। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसका जो चार्जर है वो 22 वाट का है और ये मोबाइल 18 वाट का है, यानी कि आपका जो चार्जर है वो भी हीट अप नहीं होगा इसे इस्तेमाल करते हुए। तो ये देख लें, ये फिंगर स्कैनर बटन है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी ये दबाने वाला नहीं है, इसके ऊपर सिर्फ आपने अपनी फिंगर रखनी है और मोबाइल खुद ब खुद आपका फिंगर स्कैन हो जाएगा। हालांकि पहले बैक पर यहाँ नीचे बटन दिए जाते हैं, लेकिन अभी वो नहीं है, अभी ये साइड पर ही दिए जा रखे हैं मोबाइलों में। तो फ्रंट में आप देख लें जी, डिस्प्ले कैमरा है, ऊपर डिस्प्ले के अंदर ही आप समझें कि इसका स्पीकर वगैरह है वो दिया गया है। तो साइड पर इधर से आप एक वो मेमोरी कार्ड और 2 SIM इसमें डाल सकते हैं। तो मोबाइल काफ़ी खूबसूरत है, डिज़ाइन के हिसाब से भी आपको दिखा रहा हूं मैं। तो पीछे से देख लें माशाल्लाह, कैमरे में आपको दिखाए हैं, साइड पर वो पेपर वगैरह लगा हुआ है। अभी बात करेंगे ये है किधर का, तो शाओमी वालों के भाई मोबाइल ज़्यादातर की सब मोबाइल चाइना ही से आते हैं, तो मेड इन चाइना ही इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, जो कि काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन में बनाया गया है। तो आगे चलते हैं जी, मैं आपको अभी इसके प्राइस वगैरह भी आपको बता देता हूँ। अभी मैं एक सऊदी अरब की एक शॉप में मौजूद हूँ, तो वहाँ से इसका रिव्यू आपको बता रहा हूँ। इसको भाई मैं ऑन नहीं कर सकता, ये बात है, क्योंकि ये मार्केट में ऐसे रखा हुआ है, तो मैंने ये ख़रीदना तो है नहीं है, लेकिन इसके प्राइस मैंने इस भाई से पूछे हैं तो 1120 रियाल इसने इस बॉक्स के ऊपर लिखे हुए हैं, लेकिन ये बोल रहा है कि कम हो जाएंगे। यानी कि आपको अगर आप मार्केट में घूमेंगे ना भाई, तो आपको यही मोबाइल ज्यादा से ज्यादा 1000 के अराउंड में मिल जाएगा। अगर 20-30 रियाल ऊपर भी लगेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर ही मिलेगा आपको ये सऊदी अरब की मार्केट में। तो अगर पाकिस्तान के में भाई इसकी प्राइस की बात करें, तो पाकिस्तान में ये गालबन 40,000 में अभी इसका रेट निकला है, 40,000 प्राइस पाकिस्तान में। तो अगर इधर का हिसाब लगाएं तो पाकिस्तान में फिर ये मोबाइल
सस्ता है इधर के हिसाब से। इधर अगर आपको भाई 1000 रियाल का भी मिलेगा तो फिर भी 43-44 हज़ार रुपए बनेंगे। हालांकि पाकिस्तान में इसकी प्राइस इस वक्त 40,000 निकली है जी। 40,000 में पाकिस्तान में ये मोबाइल शाओमी वालों का रेडमी नोट 9S आपको मिलेगा, जो कि रेडमी नोट 9 से अप मॉडल है जी। 9S ये भेजा उन लोगों ने, और इसकी खास बात ये है ये कि बहुत खूबसूरत मॉडल है और बहुत खूबसूरत मोबाइल है, और जो इसमें फंक्शन दिए गए हैं इस प्राइस में पाकिस्तान में पहले अवेलेबल बिल्कुल नहीं था ऐसा कोई भी मोबाइल इस रेट में, ऐसा खूबसूरत और ऐसे फंक्शन वाला मोबाइल।